हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से 6 महीना बीत गए, जब से तुम आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ, जब से उसका शादी हुआ है तब से वो अपनी पत्नी की बात सुनता है, जब से बारिश हुई है तब से फसल अच्छी है, जब से कोरोना वायरस आया है तब से हम लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? कमाल का स्ट्रक्चर है और डे टू डे लाइफ में इसका यूज काफ़ी करा जाता है। तो इसको देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस राइट करेंगे? लास्ट वाले सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे, तब से के बाद जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करना है। उसके बाद सेंटेंसेस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, पहले सेंटेंस, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा सिंस। के बाद सेंटेंसेस दो टेंस में हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी टेंस में रहेगा उसी के स्ट्रक्चर के अनुसार आपको ट्रांसलेट कर देना है। अब बात करते हैं और एक स्ट्रक्चर की। सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद लगाएंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपको ये दोनों स्ट्रक्चर और भी बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से 6 महीना बीत गए। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे 6 months have been passed since I've seen you, 6 months have been passed since I've seen you। इस सेंटेंस के लिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 6 months have been passed having seen you। तो यहाँ पर having के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, जबकि पहले वाले सेंटेंस आया है सिंस के बाद। सिंस के बाद जैसा टेंस वैसा सेंटेंस, लेकिन having के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से तुम आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, पहले बनाइए तब से मैं बहुत खुश हूँ, या तब से के लिए कोई वर्ड नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी सिंस यू हैव कम, आई एम वेरी हैप्पी सिंस यू कम। यू हैव को शॉर्ट में यू पढ़ते हैं। और एक बात, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, पहले जब से वाला सेंटेंस में यदि आपका सब्जेक्ट आता है तो उसको आपको सिंस से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तब इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से उसने शादी किया है तब से वो अपनी पत्नी की बात सुनता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही लिसन्स टू हिज वाइफ सिंस ही हैज गॉट मैरिड, ही लिसन्स टू हिज वाइफ सिंस ही हैज गॉट मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से बारिश हुई है तब से फसल अच्छी है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, इस सेंटेंस को और एक तरीका से बना सकते हैं, मीन्स इसको हिंदी ऐसे बोल सकते हैं, जब से बारिश हुई है तब से फसल अच्छा रहा है या अच्छी रही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं द क्रॉप हैज बीन गुड सिंस इट हैज रेंड, द क्रॉप हैज बीन गुड सिंस इट हैज रेंड। यदि आप अलग अलग फसल के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर क्रॉप्स लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा क्रॉप्स हैव बीन, क्रॉप्स हैव बीन। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं द क्रॉप इज गुड सिंस इट हैज रेंड, ऐसे बोला जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से कोरोना आया है तब से हम लोग डरे हुए हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी आर स्केयर्ड सिंस द कोरोना वायरस हैज कम, वी आर स्केयर्ड सिंस द कोरोना वायरस हैज कम। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं वी हैव बीन स्केयर्ड सिंस द कोरोना वायरस हैज कम, वी हैव बीन। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से उसने मुझे देखा तब से वो बेचैन है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज रेस्टलेस सिंस ही सो मी, ही इज रेस्टलेस सिंस ही सो मी। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आर करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को बिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।